नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं हमें किसी ने कुछ कर दिया है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? कई बार चलते चलते काम धंधे बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमें किसी की बुरी नज़र लग गई है या हमें किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने हमारा काम धंधा बांध दिया है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है या हमें वहम हो गया है? संसार में सब कुछ होता है, ये मैं मानती हूँ कि हमें अंधविश्वासी नहीं बनना, पर जिसके साथ कुछ बुरा हो गया है उसका दुख कौन जाने, क्योंकि जिसके पैर ना फटी बुवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। कई बार स्वार्थवश भी लोग किसी का बुरा कर देते हैं। जो किसी का बुरा करता है उसका भी फल उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि हमने चाहे किसी का बुरा नहीं किया, मात्र सोचने मात्र से उसका फल भुगतना पड़ता है। फिर पता नहीं लोग किसी का बुरा क्यों करते हैं। आज मैं आपको इन परेशानियों से बचने के कुछ आसान से उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर वन, सबसे पहला उपाय यही है कि अपने सूर्य ग्रह को बलवान करो। अगर आपका सूर्य बलवान होगा तो कोई चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। इसलिए सुबह उठते ही उगते सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाना चाहिए। उसमें एक लाल फूल, थोड़े अक्षत और थोड़ा सा लाल चंदन और गुड़ डाल लेना चाहिए। नंबर दो, अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है। नंबर तीन, अपने घर के बाहर ईशान कोण में बेलपत्र और आंकड़े का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि आंकड़े का पौधा और बेलपत्र नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींच लेता है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें असर ही नहीं करती। सफ़ेद आंकड़ा भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है। आंकड़े में भगवान शिव और गणेश जी का वास होता है, इसलिए आंकड़ा या बेलपत्र एक रक्षा कवच का काम करते हैं। नंबर चार, अपने बेड के पास तांबे के लोटे या जग में जल भर कर रखें। तांबे में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी बुरी चीज़ को आपके पास आने ही नहीं देती। नंबर पाँच, अपने हाथ में तांबे का कड़ा जरूर पहने, उससे रोग भी नहीं होते और कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आती। नंबर छः, मोर पंख श्री कृष्ण जी के सिर पर हमेशा लगा रहता है। घर में मोर पंख रखें, उसमें सूर्य का तेज होता है। अगर मोर पंख के आगे वाले हिस्से का छोटे से तावीज में भरकर लाल धागे में अपने गले में धारण करते हैं तो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आती। नंबर सात, अपने गले में तुलसी कंठी माला को भी धारण किया जा सकता है, उससे भी रक्षा होती है। नंबर आठ, गले में छह मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ मिलता है। दोस्तों, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन सब से आपका सूर्य बलवान होगा और आप सभी प्रकार के नज़र दोषों से बचे रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। जय जय श्री राधे।